रहा हूँ नूर नगर में। जो मैं आपको बताने चाहता हूँ, इसकी शिकायत हमने नेताओं से बहुत करी, रिक्शे पलटने की बहुत शिकायत थी, कल भी लेडीज़ के लिए यार बच्चे यहाँ पर स्कूल बराबर में बिल्कुल भी काम होने को तैयार नहीं था। नेता ये सोचते थे ये कुछ कर नहीं पाएगा। आज नूर नगर के सभी लोगों ने मिलके हमने ये काम कराए और इंशाल्लाह और भी करेंगे। जो बरात घर के पास भी गड्ढे हैं उसका भी भरने का इंतज़ाम कर रहे हैं सब लोग यहाँ के नूर नगर के। ये देखिए भाई, अरे तुम जाओ, काम हो गया। मैं सैयद फजल अजीम, आज यहाँ की आवाम ने ये देख दिया है मैसेज कि यहाँ के जो पॉलिटिकल सरबरा है वो बिल्कुल नाकारा है। 15 अगस्त के दिन इन्होंने अपने पास से फंड इकट्ठा करके रोड खुद बनाने का जिम्मा लिया। यहाँ विधायक और काउंसलर सबसे कह के ये थक गए। मजबूरन इन्होंने अपना इनिशिएटिव लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ आए दिन बच्चे बूढ़े, ये मेन रोड है, रिक्शे गिर रहे हैं उसमें से, औरतें भी बच्चे जा रहे हैं, स्कूल है बराबर में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आप बताइए थोड़ा, बोलिए आप यहाँ के बारे में। रिक्शे पलट जाते हैं, गाड़ियों के एक्सल वगैरह टूट जाते हैं, बच्चे पीछे स्कूल आते हैं, गाड़ी अपने पापा के साथ किसी बैठे होते मोटरसाइकिल बाइक पर गिर जाते हैं बच्चे, बेहोश हो गई, कले कौन गिर गई, उसका हॉस्टल ही पहुंचाया था, उसका गड्ढा है उसके अंदर भी गिर जाते हैं बच्चे अक्सर नाली में मोड़ते में। यही गड्ढा अगर 200 गज का होता जो दो दो फीट के है ना, तो आज यही एमएलए और यही काउंसलर ये कहते थे मेरा प्लॉट है, इस गड्ढे को प्लॉट बना देते। आज ये 200 गज का होता है गड्ढा, ये 300 गज का होता है, लड़ते आपसी में। एमएलए कहता है मेरा आगे, कोई कहता है मेरा है, एमपी कहता है मेरा है, अमानतुल्ला खान डेवलपमेंट के नाम पे 0 है 0 एकदम चौरस आ रहे लिख रहा हूँ, लेकिन कोई वो ऐसे जाने के जो नादिया दानी से वो हमारे यहाँ की काउंसलर है, उन्होंने आज तक आगे नहीं देखा, वोट के टाइम पे आई उसके बाद तो आज तक आगे नहीं देखा, पलट के नहीं देखा। धनंद भाई से हमारी मुलाकात थी, धनंद भाई से हमने कहा धनंद भाई बोलते होगा होगा, लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं पता। बाकी कोई नहीं है, ये भोसले का कोई नहीं आने वाला, एक वर्षीय भाई है यहाँ पर, वायरल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षिभा यहाँ पे जो काम करा रहे हैं, अदरवाइज कोई नहीं आता, लोग गिर रहे हैं रक्षों में, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल के बच्चे परेशान हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बाकी तो सब चोर हैं। आप देख लीजिए पब्लिक के अंदर आक्रोश और गुस्सा और कितना ज्यादा यहाँ के पॉलिटिकल सरबराहों से है। इन लोगों को सोचना चाहिए, ये आवाम ने इनको जिताया, आवाम ने इनको सेलेक्ट कराए, और उनके काम नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा। आप देख सकते हैं पूरा रोड जगह जगह अपने आप इन लोगों ने बनवाया है, इसी हिस्से इलेक्शन में टाइम पाएंगे। ये दिल्ली के जामिया नगर का इलाका है, नूर नगर, यहाँ पर सालों से जो सड़क है वो खस्ता हाल है, ना कोई उसका कोई बजट है, या आम पब्लिक अपने घर के ऐसे कर रही है। दानी हमारे भाई हैं, इन्होंने ज्यादा टाउन कमाया है, 200 मीटर पे गुटके सिगरेट भी नहीं बिकने चाहिए, स्कूल के 400 मीटर पे, और दुनिया बंद कर मार रही है, मोहल्ले वाले देखो सारे काम कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि इलाके के एमएलए काउंसलर का पता ना, एमपी का पता नहीं पता, और जो दूसरे जो नेता बने फिरते हैं उनके काम यहाँ लोकल की जो आम पब्लिक वो खुद अपने खर्चे पर करती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, या जो रहबर हैं इलाके के, बड़ी शर्म की धूप मरने वाली बात है कि आम पब्लिक अब जो सरकारी काम है खुद अपने पैसों पर मिले। ये जामिया नगर, दिल्ली के जामिया नगर का इलाका है, जो नूर नगर कहलाता है मोहल्ला, ये वाली रोड है जो नूर नगर से ओखले विहार को जोड़ती है। ये सब यहाँ के लोकल
लोग हैं। हाँ जी फरहान भाई, ये नौबत क्यों आई अपने आप से करने के लिए? मैं आपसे इसलिए करने के लिए आई है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। पानी इतना भरा, गड्ढे हुए, लोग गिरे, कल एक प्रेग्नेंट लेडी गिरी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो जाए यहाँ पर, ना आके नेता देखता कोई, ना कोई नहीं देखता आके। यहाँ के जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो बेचारे बहुत कर रहे हैं, आम पब्लिक को मदद कर। आप कह रहे हैं नेता नहीं देख रहे हैं, लेकिन इलाके के नेता जो है वो कहते हैं कि हम काम करवा रहे हैं इलाके में। कहाँ काम करवा रहे हैं, देखो आप सब कुछ कर रहे हैं, सारे के सारे लोग कूड़े का हाल देखो आप, टूटा पड़ा है पूरा। इसके ऊपर ये भी तो रख देंगे ना।